आप ले ना ये। अस्सलामुअलैकुम बाबा। अस्सलामुअलैकुम मम्मी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। आओ मेरी मेहनती बेटी, कैसा चल रहा है तुम्हारा प्रोजेक्ट? बाबा अभी तो कॉलेज खत्म हुआ है तो ये लो। हाँ उसी के बारे में पूछ रहा था मैं। भाई आज मैंने अपनी बेटी के लिए उसका फेवरेट आलू गोश विद कीमे के पराठे बनाए। कितनी मजे की बात है ना। खिलाया मुझे, मजा आपको आ रहा है? और ये क्या अजीब कॉम्बो है? जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना, जब मालूम होगा कि जब माँ अपने बच्चों को मुंह में निवाला देती है तो उसकी क्या फीलिंग्स होती। ड्रामे कम देखा करें। बेटा तुम अपनी कंपनी के बारे में बता रही थी। जी बाबा, एक्चुअली अभी शुरू शुरू है ना, तो रिजेक्शंस मिल रही हैं लेकिन लगे हुए हैं। देखिए इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो तुम्हारे दोस्तों का क्या हाल है? क्या नाम था उस लड़के का? वकार, शायान या फिर हमजा? हमजा। हमजा बहुत तमीजदार बच्चा था, माँ बाप ने बहुत अच्छी तरबियत की है उसकी। हाँ बस थोड़ा जिद्दी है, अच्छा अड़ जाता है बातों पे, फायदा नुकसान ही नहीं देखता। कहता है कि स्टीव जॉब्स और बड़े बड़े लोगों ने गिव अप नहीं किया, तो बस मैं भी नहीं करूंगा। तो बेटा ठीक ही तो कह रहा है वो। बाबा पर यहाँ की बात अलग है, यहाँ पर जमींदारों और सिर्फ मिल ओनर्स को ही रिस्पेक्ट मिलती है। न्यू आइडियाज के लिए बहुत बैकवर्ड थिंकिंग है लोगों की। चलो तुम इस साल अपने सारे शौक पूरे कर लो, अगले साल हम खैर से कोई अच्छा रिश्ता देख के इसको ठिकाने लगा देंगे। मम्मी आप देख रही हैं यहाँ बात क्या हो रही है? मुल्क बदलने की, दुनिया में कुछ चेंज लाने की। कर दी ना आपने 1940 वाली बात कि लड़की हो शौक पूरे कर लो, फिर किसी डॉक्टर या इंजीनियर से शादी करा देंगे तुम्हारी। नहीं करनी है मुझे शादी वादी यार, करियर बनाना है, अपने पैर पे खड़ा होना है। एक बार हो गई फिर करते हैं ना बात इस बारे में। लगता है आपको भी नहीं पता कि जब बेटी अपने हाथों से माँ को खिलाती है तो क्या फीलिंग होती है। नहीं पता ना यार, जी भी एक तो नाराज हो जाती हैं, देख रहे हैं।